नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आपने देखा होगा कि पिछले 4 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और पिछले करीब 2 महीने से सिंघू बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं। उनके समर्थन में पंजाबी कलाकार और कई पूर्व सैनिक भी धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। धरना स्थल पर पहुंचने वाले पूर्व सैनिक अपने मेडल लगाकर या अपनी जो कम्बैट जैकेट है वो पहन करके या और इस तरह से मिलिट्री से मिलती जुलती वर्दी वगैरह पहन करके वहाँ पर आ रहे हैं। उनके लिए सेना मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि वो सेना की वर्दी या मेडल पिन वगैरह लगा करके न पहुंचे। साथियों, इस वीडियो में आज हम जानना चाहेंगे कि पूर्व सैनिक कब वर्दी पहन सकते हैं, कब मेडल लगा सकते हैं, उनके लिए क्या आदेश हैं, या आदेश हैं भी या नहीं है, और कौन आदमी वर्दी मिलिट्री से मिलती जुलती वर्दी कहीं पहन सकता है या नहीं पहन सकता है, किस तरह के मेडल लगा सकता है, किस किस जगह पे लगा सकता है, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें और वीडियो को हम शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन यानी घंटी का निशान है उसको प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आप तुरंत देख सकें। साथियों, हमारी सेना है वो अपोलिटिकल होती है, यानी राजनीति से उनको कुछ लेना देना नहीं होता है, और इसी तरह पूर्व सैनिकों के लिए भी ज्यादातर यह माना जाता है कि वो एक तरह से पार्टीलेस लोग होते हैं, यानी वो किसी पार्टी के साथ नहीं होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, किसी पार्टी में नहीं रह सकते, वो अच्छी तरह रह सकते हैं, पर जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं उनमें वो अपने मेडल या वर्दी पहन करके नहीं जा सकते हैं। इसके लिए जो डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस है यानी DSR है उसका पैरा 666 है, 666 है, वो क्लियरली चीजों के बारे में बताता है कि एक रिटायर्ड सैनिक, सेवानिवृत्त सैनिक किन किन जगहों पे अपने मेडल लगा सकता है, अपनी वर्दी पहन सकता है और किस जगह पे वो ऐसा नहीं कर सकता है, तो इसका हम आगे बात करते हैं। ये जो अखबारों में चीजें आ रही हैं इसके पीछे है कि एक सेना मुख्यालय का आदेश है, उन्होंने एक लेटर इश्यू किया है, एक एडवाइजरी इश्यू करी है, उसमें उन्होंने केंद्रीय सैनिक बोर्ड को बताया है कि आप पूर्व सैनिकों को इसके बारे में बताओ कि इस तरह का वर्दी पहन करके या मेडल लगा करके वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल प्रदर्शन या किसी धरने में या किसी इस तरह के समागम में शामिल नहीं हो सकते हैं। जो लेटर है वो आपने भी देखा होगा, अंग्रेजी में है और सोशल मीडिया में वो घूम रहा है। इसमें खास तौर से 23 दिसंबर 1998 का एक सेना मुख्यालय का लेटर है और DSR पैरा 666 है, इनका हवाला दिया गया है। ये दोनों चीजें आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, indianarmyveterans.gov.in वेबसाइट है, उस पे ये अवेलेबल है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो खासकर पैरा 666 है, 666 है, उसमें क्या निर्देश देता है ताकि आपको भी पता रहे कि किन किन जगहों पे एक रिटायर्ड सैनिक, पूर्व सैनिक इन मेडल्स को पहन सकता है, अपनी वर्दी या सेना से मिलते जुलते इन सिग्निया है उनको वो धारण कर सकता है। साथियों, जो DSR का पैरा 666 है, 666 है, वो बताता है कि वियरिंग ऑफ यूनिफॉर्म बाय नॉन इफेक्टिव पर्सनल, यानी जो रिटायर्ड हो गए हैं वो यूनिफॉर्म कब कैसे पहन सकते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि जो सारे रेगुलर ऑफिसर्स हैं, इसमें ऑफिसर्स, JCOs और जवान सब शामिल हैं, वो कब और कैसे मेडल पहन सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरे भी ऑफिसर्स हैं जिनको ऑनरेरी के तौर पे कुछ रैंक्स दिए हुए हैं, या जो TA के ऑफिसर्स हैं, या जो पुराने स्टेट्स के ऑफिसर हैं, आजकल तो खैर वो चीजें करीब करीब खत्म हो गई हैं, फिर भी जो स्टेट्स के फोर्सेज में जो नौकरी करते थे लोग, उनका भी उसी में परमिशन दिया हुआ है। तो उसमें जो सबसे पहला ओकेजन है वो है कि जो राष्ट्रपति भवन में या जो राजभवन है, गवर्नर्स हाउसेज हैं जो स्टेट्स में, उनमें जो ऑफिशियल पार्टी होती है उनमें वो अपनी यूनिफॉर्म या मेडल्स वगैरह लगा सकते हैं। दूसरा है कि जब कोई फंक्शन होता है एम्बेसी वगैरह में या हाई कमीशन वगैरह में, और जब वहां उनको इनवाइट किया जाता है रिटायर्ड सोल्जर को, तब वो अपनी यूनिफॉर्म या जो मेडल्स हैं वो पहन सकते हैं। इसके बाद आता है कि जितने भी आर्मर्ड फोर्सेज फंक्शंस होते हैं जिसमें एक्सिबिशन रैली होती है या रियूनियंस होती हैं रेजिमेंट्स की, कोर्स की, उनमें वो मेडल्स वगैरह या जो अपनी यूनिफॉर्म है पहन सकते हैं। उसके बाद जो सैनिक सम्मेलन होते हैं, कोई दरबार होता है या कोई और इस तरह का फंक्शन होता है, नेशनल डे वगैरह पर यानी 26 जनवरी, 15 अगस्त के ऊपर इस तरह के फंक्शन होते हैं, उनमें वो पहन सकते हैं। इसके बाद अगर कोई एक्ट टू सिविल अथॉरिटीज है, सिविल अथॉरिटीज को हेल्प करने के लिए कोई इस तरह का प्रोग्राम चलता है, उसमें भी वो पहन सकते हैं। उसके बाद जो मिलिट्री हेडक्वार्टर पे कोई ड्यूटी उनको दी जाती है या उनको बुलाया जाता है, तब भी वो पहन सकते हैं। या जो सीनियर सर्विस ऑफिसर्स उनको बुलाते हैं
मिलने के लिए, तो उनके पास जाते टाइम भी वो अपने पहुंच सकते हैं। या जो सिविल अथॉरिटी हैं लोकल, जैसे कलेक्टर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, वो भी अगर बुलाते हैं तो वहां पर भी वो ये चीज़ें अपनी पहन करके जा सकते हैं। इसके बाद आजकल तो जाते नहीं, अगर कोई पेंशन लेने जाता है आदमी बैंक में, तब भी वो अपना मेडल और वर्दी पहन सकता है। इसके बाद अगर गवर्नर के स्टाफ के तौर पर उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो भी वो अपना मेडल और वर्दी वगैरह जो है प्रेस्क्राइब वर्दी है वो पहन सकते हैं। इसी में दिया हुआ है कि अगर वो किसी फॉर्मर रूलर का स्टाफ के तौर पर अपॉइंटेड हैं और वो उनके रूलर के जो एक्स स्टेट फोर्सेज के कमीशन ऑफिसर्स हैं, तो वो वहाँ पर भी अपना मेडल और वर्दी वगैरह पहन सकते हैं। रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स उनके स्टाफ के तौर पर अगर अपॉइंट होते हैं तो वो नहीं पहन सकते हैं। इसके साथ ही जो स्टेट या मिलिट्री फ्यूनरल होता है उसके अंदर वो अपने मेडल्स पहन सकते हैं, यानी अंतिम संस्कार होता है सैनिकों का, या जो स्टेट लेवल का कोई होता है जिसमें स्टेट ने अरेंज किया हो या मिलिट्री ने अरेंज किया हो, तो वहां पर वो अपने मेडल्स वगैरह पहन करके जा सकते हैं। साथियों, ये जो मेडल्स और रैंक वगैरह होते हैं, ये उनके जो रिटायरमेंट के टाइम के होते हैं वही वो लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी उनको लगाने की परमिशन है। इसके साथ ही जो ऑफिसर्स जिनको जेसीओ रैंक से कमीशन दिया है, जिसमें ऑन सर्विस या ऑन रिटायरमेंट ऑनरी कमीशन शामिल है, अभी साथियों ये तो बात हुई कि वो कब पहन सकते हैं, अभी बात आती है कि वो कब नहीं पहन सकते हैं। तो इसमें क्लियरली बताया गया है कि नन ऑफ द पर्सनल मेंशन्ड अबव विल वियर यूनिफॉर्म एट मीटिंग्स ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर, यानी राजनीतिक प्रकृति के धरने, मीटिंग, समागम होते हैं उनमें वो मेडल या वर्दी नहीं पहन सकते हैं। पर्सनल डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, डिस्चार्ज ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स आर नॉट एंटाइटल टू वियर यूनिफॉर्म अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जो डिसमिस किए हैं डिसिप्लिनरी एक्शन के द्वारा, जिन लोगों को डिसमिस किया गया है सर्विस से, वो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हैं। अब बात आती है कि क्या क्या पहना जा सकता है। तो जो ऑफिसर्स हैं वो नॉर्मली जो सर्विस ड्रेस है, जो रेजिमेंट या कोर की जिसको वो बिलोंग करते हैं या रिटायरमेंट के टाइम पर बिलोंग करते थे, वो पहनेंगे। वो मैच ड्रेस भी जो होती है अपनी यूनिट या कोर की, रेजिमेंट या कोर की, वो पहन सकते हैं। जेसीओज और अदर रैंक हैं वो अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगे रेजिमेंट या कोर की जिसमें उन्होंने लास्ट सर्व किया था। अब बात आती है कि वर्दी कौन सी किस तरह से पहन सकते हैं। तो इसमें दिया है बैजेज ऑफ रैंक टू बी वर्न बाय दोज एंटाइटल टू वियर मिलिट्री रैंक्स विल बी दोज ऑफ द लास्ट सब्सटेंटिव रैंक एक्सेप्ट वेयर ए हायर एक्टिंग रैंक हैज बीन हेल्ड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और द यूज ऑफ ऑनरी मिलिट्री रैंक इज स्पेसिफिकली ऑथराइज। यानी जो उन्होंने लास्ट सब्सटेंटिव रैंक था उनका, उसकी वो वर्दी पहन सकते हैं। रिटायर्ड जेसीओज जिनके पास ऑनरेरी रैंक है, वो परमिशन उनको होगी कि जो उनका ऑनरेरी रैंक है ऑन सर्विस या ऑन रिटायरमेंट, वो अपना रीएम्प्लॉयमेंट में भी लगा सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि डीएससी के जो जेसीओज होते हैं वो ऑनरेरी कैप्टन या ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की ड्रेसें रैंक लगा करके रहते हैं, तो वो उनको परमिशन है। इसमें आगे ये भी बताया गया है कि जो एनसीओज हैं जिनको ऑनरेरी नायब सूबेदार का रैंक दिया है, वो नायब सूबेदार का रैंक नहीं पहन सकते हैं। तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, पर ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो साथियों, आज के वीडियो में ये थी जानकारी रैंक्स की और मेडल्स की, यूनिफॉर्म की, कब पहन सकते हैं, कब नहीं पहन सकते हैं, क्या उसकी रूल पोजीशन है, क्या पॉलिसी है। आप अपने कमेंट में बताएं कि आपको इसके बारे में कैसा लगता है, आपको कैसा लगा। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें, और अगर आपको इसका हार्ड कॉपी देखना है या लेटर फॉर्म में देखना है या खुद स्टडी करना चाहते हैं, तो आप indianarmyveterans.gov.in पे इसको देख सकते हैं, या DSR Para 66 लिख करके सर्च भी करेंगे गूगल में, तो आपको इंडियन आर्मी वेटरन्स की वेबसाइट दिख जाएगी। उसके ऊपर ही आपको लेटर अवेलेबल होगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। हालांकि वहां पे एक अपेंडिक्स के तौर पे कब पहन सकते हैं, कब नहीं पहन सकते हैं, छोटा सा ही दिया हुआ है, ये आपको मैंने अलग से डिटेल में बताया है, तो आप इसका स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।